चलिए, तो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए थे एंड नाउ आई विल स्टार्ट विथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और सबसे प्रैक्टिकल चीज जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, इसका प्रैक्टिकल कन्वर्जन अकाउंटिंग में अब होगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ समझ ना आए तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, इधर उधर प्लीज कोई ना जाए, ध्यान से सुनिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसके एक वाउचर की जरूरत होती है। मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप कैसे पहचानते हैं, एक वाउचर के थ्रू पहचानते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कुछ डिटेल्स लिखी हुई होती है। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कोई डिटेल्स लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उस वाउचर का एक नंबर होगा, जैसे इनवॉइस हो सकता है, बिल हो सकता है, राइट। तो उनमें बिल नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, तो उनमें से किसी एक चीज को हम वाउचर कह सकते हैं। इनवॉइस और बिल दोनों ही वाउचर का ही एग्जांपल है। डेट, उसके ऊपर ऑब्वियसली डेट होती है। आप कहीं मार्केट जाइए, किसी सुपरमार्केट वगैरह में जाके या डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वो क्या करता है, बारकोड स्कैनर से प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखाता है, बारकोड स्कैनर से स्कैन करता है प्रोडक्ट्स को, और वो प्रोडक्ट्स अपने आप उसके कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं। वो एंटर होने के बाद जो चीजें धीरे धीरे करके पूरा एक बिल बन जाता है, उसको फिर वो प्रिंट करके आपको पकड़ा देता है। उस बिल में क्या लिखा होता है, सबसे ऊपर टॉप पर अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो एक बिल नंबर होगा, डेट, कितने बजे टाइम वो प्रिंट हुआ है बिल, वो टाइमिंग लिखी होगी, टोटल अमाउंट लिखा हुआ होगा, राइट, और सारे आइटम्स लिखे हुए होंगे जितने आपने लिए हैं। फॉर एग्जांपल, 10 आइटम लिए तो 10 आइटम लिखे होंगे, उसकी यूनिट कॉस्ट लिखी होगी, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी और टोटल यूनिट कॉस्ट इनटू द नंबर ऑफ आइटम्स दैट यू हैव परचेज, फिर कितना अमाउंट आपने उसको कैश पे कर दिया ये उसमें लिखा होगा, कितना अमाउंट उसने आपको रिटर्न कर दिया फॉर एग्जाम्पल, या अगर आपने डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन किया तो उस पर लिखा होगा डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया होगा तो उस पर लिखा होगा क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये हो गया अमाउंट। उसके बाद एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी कि आप गुड्स एक दिन में रिटर्न कर सकते हैं, आधे दिन में रिटर्न कर सकते हैं, नहीं रिटर्न कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद लिखा होगा ऑथराइज्ड बाय और प्रिपेयर्ड बाय। तो ऑथराइज्ड बाय तो ऑब्वियसली जो भी कैशियर है उसको किसी ना किसी ने ऑथराइज किया हुआ होगा टू बी द कैशियर एट दैट प्लेस। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट। अब वॉइस कैसी आ रही है मेरी? अब सही आ रही है सर, सर क्लियर है। ओके ओके, बता दीजिएगा, मैं अभी एक बार वो भी स्विच कर लूंगा अपना वॉइस वाला भी, ठीक है, ओके। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, ये इनवॉइस बिल कहलाती हैं। इसका एक जनरल वर्ड है जिसको वाउचर कहते हैं। इस वाउचर से कितनी चीजें क्लियर होती हैं, आप ध्यान से देखिए जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। सबसे पहला तो जिस बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, हमारा बिजनेस, मैं अगर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं वाउचर क्रिएट कर रहा हूं, तो एक तो मेरे बिजनेस का नाम लिखा है, दूसरा बिजनेस जिसको आपने वो वाउचर दिया उसका आप नाम लिखेंगे, उसका फोन नंबर लिखेंगे, उसका ईमेल आईडी लिखेंगे, उसके बाद वाउचर की डिटेल्स होंगी, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई हो रही है कि कौन से दो लोग, कौन सी दो पार्टीज हैं, कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं जिनके बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी ट्रांजैक्शन के वो दो एस्पेक्ट्स, वो दो पार्ट्स या वो दो हिस्से आइडेंटिफाई करे जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो ये जो है वाउचर की एक, मैंने आपको फीचर्स बताए वाउचर के कि हाउ डज अ वाउचर लुक लाइक एंड व्हाट ऑल डिटेल्स वाउचर विल कंटेन। Now, what are the uses of these details? सबसे पहला, अकाउंटिंग एंट्री बिना वाउचर के एंटर नहीं हो सकती। अगर आप ये करना चाहते हैं अपने में कि आज मैंने कैश 1 लाख रुपए का सामान बेचा, आई हैव सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख रुपीज इन कैश टूडे, तो इसमें आपको ये आइडेंटिफाई किया आपने कि कितने वाउचर्स आपने जनरेट किए, फर्स्ट फॉर दिस 1 लाख, उन सारे वाउचर्स का टोटल 1 लाख होना चाहिए। दूसरा, कितना
उस 1 लाख रुपए के अंदर कैश ट्रांजैक्शन था सारा का सारा, ओके गुड, ऑल दी वाउचर्स आर कैश पेड ट्रांजैक्शंस, तो वाउचर के ऊपर लिखा हुआ है कि ऑल दी ट्रांजैक्शंस आर कैश पेड, ठीक है। दूसरा, तीसरी चीज आपने आइडेंटिफाई करी, ऑल दिस हैज बीन सेल्स, मैंने सारा सामान बेचा है, ऑल द वाउचर्स आर रिलेटेड टू सेल्स, क्लियर। तो ये आपने क्लियरली आइडेंटिफाई किया जो अलग अलग एस्पेक्ट्स थे कि दैट यू हैव सोल्ड इट, ऑल द कैश हैज बीन रिसीव्ड एंड दिस इज फॉर डेट टुडे, राइट। ये चीजें आपने आइडेंटिफाई की थ्रू द वाउचर एंड नाउ यू कैन एंटर इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, क्लियर। अब ये वाउचर्स की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, आई एम लीविंग दिस पोर्शन, दिस इज नॉट फॉर यू राइट नाउ, वी विल लीव दिस और हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस दो तरीके के होते हैं, हमेशा याद रखिए, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर विल बी कैश वाउचर, आप वाउचर को देखेंगे उस पर लिखा होगा कैश पेड या कैश रिसीव्ड और कितना रुपए का सामान आपने बेचा वो, और व्हाट अदर डिटेल्स, डेट, योर सिग्नेचर एंड अदर थिंग्स। नाउ द सेकंड कंडीशन इज दैट यू हैव क्रिएटेड अ डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर का मतलब वो वाउचर जिसकी वजह से आपको पैसे मिलेंगे, जिस आदमी ने आपसे सामान खरीदा उसने आपसे उधार ले लिया, आपने सामान बेचा आपने उसको उधार दे दिया, यू हैव गिवन हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। तो व्हेन यू गिव हिम गुड्स ऑन क्रेडिट यू विल मेंशन वेरी क्लियरली हु इज द डेबिट अकाउंट। तो उस बिल के ऊपर या उस इनवॉइस के ऊपर यू विल वेरी क्लियरली मेंशन व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट। तो हर ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम दो अकाउंट्स आप क्रिएट करेंगे, क्लियर। तो देखिए अब इस वाउचर को एक एग्जांपल है, ऑन वाउचर, ऑन September 21st, 2014 मैसर्स, दिस M/S इज फॉर मैसर्स, मैसर्स जो है वो कंपनी के नाम के लिए यूज किया जाता है, मैसर्स मोहित केमिकल्स प्लेड 40,000 रुपीज इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ 1,60,000 बाय बैंकर्स चेक टू HT केमिकल्स लिमिटेड, प्रिपेयर डेबिट वाउचर, राइट। तो इस चीज को, हाँ कुणाल पूछिए, बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। सर वो गलती से हो गया। ओके ठीक है, ओके गुड। तो मोहित केमिकल्स ने 40,000 रुपीज कैश पेमेंट किया और 1,60,000 रुपीज को बैंकर्स चेक में कन्वर्ट करके दे दिया। तो अब अगर आप वाउचर देखेंगे तो इट विल लुक लाइक मोहित केमिकल्स की बुक है। तो मोहित केमिकल्स ने लिखा कि मोहित केमिकल्स इन माय वाउचर व्हाट आई विल डू, मोहित केमिकल्स का वाउचर है, मैंने नीचे लिख दिया डेबिट वाउचर, वाउचर नंबर एंड डेट मेंशन किया, डेबिट अकाउंट मैंने लिखा HT केमिकल्स, वाई, क्योंकि 1,60,000 का मैंने चेक दिया है, केवल 40,000 कैश दिया है आउट ऑफ 2 लाख, ठीक है। तो 1,60,000 को मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिस इज अ क्रेडिट पार्ट, तो मैंने लिख दिया क्रेडिट अकाउंट्स, कैश से मैंने पे कर दिया 40,000, पेड पार्ट पेमेंट इन कैश, और सेकेंड पॉइंट में लिखा बैंक 1,60,000। जब तक चेक रियलाइज नहीं हो जाता तब तक उसे कैश नहीं मान लिया जाएगा, जब तक चेक बैंक में जाएगा ऑनर होकर के वो अमाउंट आपके अकाउंट से कट कर HT केमिकल्स के अकाउंट में नहीं चला जाएगा, तब तक मोहित केमिकल्स विल रिमेन अ डेटर इन द बुक्स ऑफ HT केमिकल्स, और HT केमिकल्स विल रिमेन अ क्रेडिटर इन द बुक्स ऑफ मोहित केमिकल्स, मोहित केमिकल्स को पेमेंट करना ही करना है। तो कैश सेल्स या कैश परचेजेस, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेजेस, तो अलग अलग तरीके के वाउचर्स बनेंगे। फॉर कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस दे विल बी अ कैश वाउचर, फॉर क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस दे विल बी अ क्रेडिट वाउचर। वो डिपेंड करता है कि कौन किसके लिए वो वाउचर बना रहा है, और बोथ द पार्टीज विल क्रिएट सम वाउचर्स, ठीक है। तो ये डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर्स वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नो नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। No need for accounting equations as well. We will come to rules of accounting.
सबसे पहली चीज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में, अभी आपने ऑब्जर्व किया कि जब आपने वाउचर बनाया, दो पार्टीज थी, मोहित केमिकल्स और एचडी केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है। अब आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं जरा सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एचडी केमिकल्स का अमाउंट, मान लीजिए मैं मोहित केमिकल्स, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर रहा हूं कि आई हैव टू पे मोहित केमिकल्स 2 लाख रुपीज, 40,000 आई हैव पेड इन कैश, 2 लाख रुपीज आई हैव, 1,60,000 रुपीज आई हैव टू स्टिल पे, जब तक मेरे बैंक अकाउंट से 1,60,000 रुपए डिडक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक उसे पेमेंट नहीं माना जाएगा और एचडी केमिकल्स मेरे लिए क्रेडिटर ही रहेगा, ठीक है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, अगर आप आइडियली देखें तो मोहित केमिकल्स मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 लाख रुपए का सामान मुझे, मैं खरीदता हूं एज मोहित केमिकल्स, एचडी केमिकल्स को 40,000 रुपए का मैं पेमेंट करता हूं कैश में और 1,60,000 रुपीज का वो क्रेडिटर है मेरी बुक्स में क्योंकि मैंने उसे चेक दिया है। टोटल कितना हुआ? 2 लाख। एचडी केमिकल्स की बुक में भी 2 लाख रुपीज की एंट्री होगी। तो आप अगर ध्यान से पढ़ें तो एक अकाउंट क्रिएट होगा कि मैंने सामान खरीदा, परचेजेस 2 लाख रुपीज, कैश पेड 40,000, क्रेडिट परचेजेस यानी एचडी केमिकल्स विल बिकम अ क्रेडिटर इन माय बुक्स 1,60,000 रुपीज। तो आप इसको जोड़कर देखिए बहुत ध्यान से, इससे क्या पता चलता है? परचेजेस 2 लाख रुपीज की हैं, कैश 40,000 का है और 1,60,000 रुपीज का क्रेडिटर है एचडी केमिकल्स। तो ये तीनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपस में मैच हो रहे हैं, परचेजेस 2 लाख, उसका 40,000 कैश, 1,60,000 एचडी केमिकल्स। तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। ये तीनों चीजों को अगर आप ध्यान से एक दूसरे के बगल में रख के देखेंगे, यही ब्यूटी है अकाउंटिंग की, सबसे पहले कि दोनों ट्रांजैक्शंस, दोनों साइड्स या तीनों साइड्स आपस में बैलेंस हो जानी चाहिए, आपस में बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग को टी स्टाइल अकाउंटिंग कहते हैं। टी स्टाइल का मतलब, टी कैसा होता है, अगर आप बीच में एक लाइन खींचते हैं और उसके ऊपर बराबर दोनों साइड, एक परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल, दोनों आप लाइंस खींचते हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो इस तरफ भी बराबर होती है और इस तरफ भी बराबर होती है। तो ये दो साइड्स माने जाते हैं बिजनेस के, राइट, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड, ये दो वर्ड्स यूज होंगे और दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे। ये रूल है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है इसको, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट मींस एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट, और इन टू साइड्स के अंदर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टीज हो सकती है, नंबर ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में बराबर है। इसीलिए इसको टी स्टाइल कॉन्सेप्ट बोला जाता है, टी स्टाइल अकाउंटिंग बोला जाता है, ठीक है। और दो हिस्से होते हैं टी के, आधा हिस्सा डेबिट कहलाता है और आधा हिस्सा जो है वो क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड, अपने आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो डेबिट होगा, राइट हैंड साइड में आपके क्रेडिट होगा, ठीक है। अब आती है बात कि डेबिट और क्रेडिट को आप यूज कैसे करेंगे, कब आप बोलेंगे डेबिट और कब आप बोलेंगे क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को 5 मेजर पोर्शंस में बांटा जाता है, 5 मेजर पोर्शंस में। कोई भी अकाउंटिंग को हम देखेंगे, एसेट्स, सबको पता है एसेट्स वो चीजें जो हमने अपने लिए, बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म पर्पस से खरीद रखी हैं, इससे प्रोडक्शन हो रहा है, इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये हमारी अपनी है, वी कैन यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी, वो चीजें, वो पैसे या वो एक्टिविटीज जिसकी वजह से हमको किसी को पेमेंट करना पड़ेगा, वी ओ सम मनी टू समबडी एल्स, वी हैव टेकन सम सर्विस, वी हैव टेकन सम गुड्स फ्रॉम समवन एंड नाउ वी हैव टू पे दैट मनी बैक, दैट इज अ लायबिलिटी। चाहे वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो, किसी से आपने सामान उधार पर खरीद के 45 दिन, 50 दिन, 1 महीने में पेमेंट करना हो,
या फिर आपने किसी से लॉन्ग टर्म लोन ले रखा हो, 2 साल 3 साल या 5 साल का, बोथ आर लाइबिलिटीज। एसेट्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, द कैश दैट यू हैव, डेटर्स जिन लोगों को आपको मुझे पेमेंट करना है, फिक्स्ड एसेट्स लाइक फर्नीचर मशीनरी प्लांट। थर्ड कैटेगरी इज कैपिटल। कैपिटल वो कैश, वो काइंड, वो फिक्स्ड एसेट्स जो स्टार्टिंग के वक्त ओनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करी थी। दोस फिक्स्ड एसेट्स लाइक फर्नीचर मशीनरी प्लांट टेक्नोलॉजी कैश और एनी अदर काइंड दैट वॉज इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस बाय द ओनर्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो ये एसेट्स अलग है, ये बिजनेस ने एक्वायर करी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैपिटल वो चीज है जो बिजनेस के शुरू में एज अ रिस्क इन्वेस्ट करी है ओनर्स ने। ठीक। चौथी कैटेगरी है अलग अलग आइटम्स की, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी रूटीन एक्सपेंसेस बिजनेस कर रहा है या बिजनेस को जो रूटीन बेसिस पर लॉसेस हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरीज में आते हैं। रेवेन्यूज एंड गेन्स। रेवेन्यूज का मतलब क्या पैसा आप अर्न कर रहे हैं, whether it is through sales, whether it is through sale of property or any other purposes, and what are the gains. Gains ka matlab profits, jisme income is more than the expenditure, that is called your gain. Losses, where your expenses are more than your income. To ye 5 categories mein aap transactions ko divide karenge. Theek hai? Aur kaise divide karenge? Uske kuch fundamental रूल्स हैं। वो दो फंडामेंटल रूल्स ध्यान से स्क्रीन के ऊपर आपके दिख रहे हैं। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। आप जब भी देखेंगे कि एसेट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और उससे एसेट्स का अमाउंट बढ़ रहा है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप उसको डेबिट करेंगे। और अगर एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स का अमाउंट कम हो रहा है, यू आर गोइंग टू क्रेडिट दैट। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ेगी तो उसको हम डेबिट करेंगे, व्हेन द एसेट वैल्यू डिक्रीजेस वी विल क्रेडिट इट। राइट। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर इफ द एक्सपेंसेस और लॉसेस आर इंक्रीजिंग, या एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस कम हो रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस लॉसेस होने पर हम डेबिट करते हैं और रेवेन्यूज और गेन्स होने पर हम क्रेडिट करते हैं। ये देखिए यहां पर एग्जैक्टली लिखा है, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स इज क्रेडिटेड। इसका एग्जैक्टली उल्टा है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड। सो सिंपल लैंग्वेज में, जब एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस हमको पता चलेंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर हमको रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट होती है और गेन्स जनरेट होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। एग्जैक्टली जो एसेट्स के बारे में है उसका उल्टा लाइबिलिटीज। इफ वी सी देर इज अ लाइबिलिटी कमिंग अप, इफ देर इज एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी अमाउंट, दैट हैज टू बी क्रेडिटेड। लाइबिलिटी अगर बढ़ती है या लाइबिलिटी होती है तो हम उसको इंक्रीज करते हुए डेबिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैपिटल अगर हमारे अकाउंट्स में है, बिजनेस में आती है, हमने नई इन्वेस्ट करी है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्रेडिट करें। ये बेसिक 5 एस्पेक्ट्स और उसके रूल्स हैं। क्लियर है? किसी को यहां पर कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि इसके बाद सारा टेक्निकल अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ पूछिए प्लीज। Increase in liabilities is credited and decrease in liabilities is debited. Sir, ये वाली line समझिए। मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे पहले आपने बोला कि अगर assets की value में कोई change होता है, assets बढ़ जाती हैं, तो आप उसको debit करेंगे। ठीक है? Exactly इसका उल्टा liabilities है। Liabilities क्या है? आपको pay करनी है किसी को। अगर कोई नई liability आ जाती है या कोई existing liability बढ़ जाती है, किसी को अमाउंट पे करना है, वो बढ़ जाता है, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। राइट? और अगर कोई लायबिलिटी कम हो जाती है या कोई लायबिलिटी जो है मान लीजिए हट जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसको आप डेबिट करेंगे। क्लियर? अभी कैसे करेंगे उस पर मैं आ रहा हूं, वो भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ठीक है? ये एसेट्स का एग्जैक्टली उल्टा है।
एसेट्स और लाइबिलिटीज एक दूसरे के उल्टे एंटर होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्रेडिट और डेबिट में. एक्सपेंसेस लॉसेस और इनकम और गेन्स ये भी एक दूसरे से नेगेटिव होंगे. एक्सपेंसेस लॉसेस को आप हमेशा डेबिट करेंगे और इनकम को और गेन्स को आप हमेशा क्रेडिट करेंगे. ओके, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज पूछिए यहीं पर. ओके, अब ये हमने समझ लिया कि हम डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे. अब आती है बात, व्हाट इज अ टाइप ऑफ एन अकाउंट. व्हाट इज अ टाइप ऑफ एन अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसको आप समझिएगा. अब देखिए एक एग्जांपल है, रोहन परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 80,000. रोहन परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 80,000 इन कैश. ये एक एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर. तो इसके क्या अकाउंट्स हुए, एक फर्नीचर, दूसरा कैश. एक फर्नीचर और दूसरा कैश. ठीक है, कैश क्या है, कैश इज अ टाइप ऑफ एन एसेट. मैंने पहले भी पढ़ाया कैश जो है एक एसेट है. तो अभी आपने क्या किया, फर्नीचर खरीदा 80,000 रुपीज का, तो आपने क्या किया, कैश पे किया कि कैश रिसीव किया. सर कैश पे किया. और फर्नीचर क्या किया, परचेज मतलब फर्नीचर आपके पास आ गया, मिस्टर रोहन के पास फर्नीचर आ गया और मिस्टर रोहन के पास से कैश चला गया. फर्नीचर की वैल्यू है 80,000 रुपीज और कैश की वैल्यू भी 80,000 रुपीज है. मैंने बताया था अगर एसेट्स डिक्रीज होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे. तो यहां पर कैश जो कि एक टाइप की एसेट है, उसकी वैल्यू 80,000 रुपीज से कम हो गई है, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे. देखिए डिक्रीज हो गई कैश की वैल्यू, और उसके बदले में यू हैव परचेज्ड अ फर्नीचर ऑफ रुपीज 80,000. उसकी वजह से आपके फर्नीचर के एसेट की वैल्यू 80,000 रुपीज से बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे. समझ में आया, जो दो अकाउंट्स इस ट्रांजैक्शन में बनेंगे, एक कैश बनेगा एक फर्नीचर बनेगा. कैश को आप डिक्रीज करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय 80,000 रुपीज, क्योंकि वो कम हो गया, एसेट कम हो गई, और दूसरी एसेट फर्नीचर 80,000 रुपीज से बढ़ गई, सो यू विल डेबिट इट. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो साइड्स हैं, देखिए कैश की भी और फर्नीचर की भी. टी ट्रांजैक्शन बना हुआ है, टी टाइप फॉर्मेट बना हुआ है. ये साइड, लेफ्ट साइड इज ऑलवेज डेबिट एंड राइट साइड इज ऑलवेज क्रेडिट. सिमिलरली फॉर कैश, फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस, फॉर ऑल अकाउंट्स वी विल मेक अ टी फॉर्मेट. मैं आपको वो सिखाऊंगा, बट उसमें डेबिट और क्रेडिट इस तरह से होगा. इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Okay. एक दूसरा अकाउंटिंग एंट्री भी ध्यान से समझिए. परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 60,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स इंडियन मशीनरी मार्ट. 60,000 रुपए की मशीनरी उधार पर खरीदी है आपने इंडियन मशीनरी मार्ट से, मेसर्स इंडियन मशीनरी मार्ट से. तो अब दो तरीके से ट्रांजैक्शन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेंगे. सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए क्या दो अकाउंट्स इसमें हैं, बताइए इसमें क्या दो अकाउंट्स हैं. बता सकते हैं, इसमें दो अकाउंट्स क्या क्या हुए. एक तो इंडियन मशीनरी मार्ट, ये आपके लिए लायबिलिटी बन गई. क्यों लायबिलिटी बन गई, क्योंकि आपने इनसे उधार पर सामान खरीद लिया है. यू हैव परचेज्ड अ मशीन वर्थ रुपीज 60,000 ऑन क्रेडिट. तो अब इंडियन मशीन मार्ट को, आप मशीनरी मार्ट को आफ्टर सम टाइम 60,000 रुपीज का पेमेंट करेंगे. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लायबिलिटी. तो जब आप लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं या लायबिलिटी एड करते हैं, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. तो देखिए मैसर्स इंडियन मशीनरी मार्ट का अकाउंट है, डेबिट साइड लेफ्ट में है, क्रेडिट साइड राइट में है. क्रेडिट साइड में आपने 60,000 रुपीज से इंक्रीज कर दिया. ठीक, दूसरा अकाउंट इसमें क्या बनाया आपने, मशीनरी. मशीन खरीद के लाया आप, विच इज एन एसेट.
ठीक है, मशीनरी एसेट होती है, और उसको आपने डेबिट साइड में दिखाया, विच इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, 60,000 रुपीज से आपने उसको डेबिट कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि मशीनरी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपने डेबिट बैलेंस से मशीनरी का अकाउंट बढ़ा दिया। क्लियर, समझ में आया ये? कोई क्वेश्चंस इन दोनों ट्रांजैक्शंस पे प्लीज पूछिए। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। एनीबडी एल्स प्लीज बताइए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है ध्यान से इसको सुनिए, प्लीज इधर उधर अटेंशन मत रखिएगा, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आगे चल करके अगर आपको अभी समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनिए, कोई भी मुश्किल चीज नहीं बता रहा हूं मैं, ऐसी कोई चीज नहीं बता रहा हूं जो आपने मैथ्स में या फिजिक्स में नहीं पढ़ी है, ऐसे ही बैलेंसिंग मैथ्स में भी हम लोग करते हैं, तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, बट अगर आप अभी नहीं समझेंगे, बेसिक समझ में नहीं आएगा, तो आगे परेशानी। ठीक है, क्लियर है? ओके, थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कैश ऑफ रुपीज 50,000 इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस एज कैपिटल बाय मिस्टर राकेश। मिस्टर राकेश का कोई बिजनेस है, उन्होंने उसमें 50,000 रुपए कैश इन्वेस्ट किया है एज कैपिटल, फर्नीचर भी दे सकते हैं वो, मशीन भी दे सकते हैं, जो भी होगी उसके हिसाब से हम ट्रांजैक्शन करेंगे, बट ही हैज गिवन 50,000 रुपीज कैश इनटू बिजनेस एज कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? सबसे पहले तो कैपिटल का हमने ऊपर ट्रीटमेंट पढ़ा था कि कैपिटल अगर आती है या बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं उसको, इंक्रीज द क्रेडिट साइड। तो कैपिटल राकेश ब्रैकेट में लिखा है, हम इसको लिखेंगे राकेश कैपिटल अकाउंट, राकेश अपोस्ट्रॉफी एस कैपिटल अकाउंट। देखिए राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड है, उसमें 50,000 रुपए उसने इंक्रीज कर दिए, ठीक, और कैश जो कि उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस से निकालकर कैपिटल में डाल दिया, तो कैश को आप कम कर देंगे, कैश को, सॉरी आई एम सो सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, कैश को उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल बढ़ी और कैश भी बढ़ा, वो अपने घर से लेकर के आया है वो 50,000, कहीं और से बिजनेस से नहीं निकाले हैं उसने, 50,000 ही हैज ब्रॉट इट फ्रॉम हिज होम, तो उसको उसने 50,000 रुपीज कैश को एज कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो एक तो कैपिटल बढ़ गई ऑन योर क्रेडिट साइड और कैश एज एन एसेट्स बढ़ गए डेबिट साइड 50,000 रुपीज। क्लियर? ओके, समझ में आया? एक और बार समझा दो। मैं एक और बार समझा देता हूं। मेरा फॉर एग्जांपल, मैं मिस्टर राकेश हूं, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैंने 50,000 रुपए कैश अपनी जेब से बिजनेस के अंदर लगाए, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कॉन्सेप्ट जब समझाया था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस अलग है और आप अलग है, आप अलग हैं, बिजनेस अलग है, अगर आप बिजनेस के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसको क्लियरली रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपने क्या किया, बिजनेस में अपना कैश इन्वेस्ट किया एज कैपिटल शुरू करने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, मशीन की जरूरत होती है, राइट, इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, तो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी 50,000 रुपए कैश बिजनेस अपने घर से, तो सबसे पहले मेरा नाम राकेश, उस नाम से कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, मिस्टर राकेश's कैपिटल अकाउंट, और उसमें 50,000 रुपीज क्रेडिट साइड में इंक्रीज किए जाएंगे। ऊपर हमने रूल पढ़ा था, इफ इट इज कैपिटल इट हैज टू बी इन द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में हमने ऐड कर दिए 50,000 रुपीज, क्रेडिट साइड राइट साइड में होती है टी ट्रांजैक्शन फॉर्मेट के राइट साइड में होती है। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कैश, तो उस कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश क्या है, एसेट्स, कैश अगर बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं, तो यहां पर क्या है, कैश बढ़ गया है, मैंने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, कैश आ गया, एक एस्पेक्ट उसका कैपिटल है, दूसरा एस्पेक्ट उसका कैश है, तो कैश 50,000 रुपीज से इंक्रीज करेंगे हम डेबिट साइड। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, यस सर। ओके, ये तीन तरीके के ट्रांजैक्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, राइट, अगर किसी को समझ ना आया हो तो प्लीज बताइए।
कल हम दो और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, दो और